नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जबलपुर सहित प्रदेश भर के अधिवक्ता लामबंद है। 3 माह में 25 पेंडिंग पुराने मामलों को निपटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को लेकर प्रदेश भर के जिला अदालत के अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है, जहां जिला वार के सदस्यों के द्वारा बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सभी सदस्यों ने इस यज्ञ में आहुतियां डाली और स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने हड़ताल की अवधि बढ़ा दी है। अब 19 मार्च तक अधिवक्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे पक्षकारों को न्याय मिले। अगर कोर्ट के द्वारा एक दिन में 5 से 10 केस लगाए जाते हैं तो उसकी पैरवी अलग अलग न्यायालय में कैसे की जा सकती है और पक्षकारों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लगे नए केसों की पेशी 6 से 8 महीने बाद दी जा रही है। इसी तरह केसों को न्यायालय के द्वारा पुराना कर दिया जाता है और बाद में यह कहा जाएगा कि इन्हें जल्दी निपटाया जाए, इससे पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। वकीलों ने हाई कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि हर एक पक्षकार की सुनवाई समय पर अगर की जाती तो आज इतने केस पेंडिंग नहीं होते। अगर समय पर पेशी दी जाएगी तो हम सभी वकील सभी कोर्ट में जाकर जिरह करेंगे, लेकिन अदालत के द्वारा पेशी की तारीख लंबी देने के चलते केस पुराने हो रहे हैं। सर, भारत की न्याय व्यवस्था में पहली बार एक ऐसे प्रयोग किए गए, एक विवेकशील व्यक्ति को ही स्थान मिलता है जिम्मेदारियों का। माननीय न्यायाधिपति महोदय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश ने एक ऐसा आदेश निकाला, उद्देश्य बहुत अच्छा था पर उसके परिणामों के प्रति चिंतन नहीं था। परिणाम उनके सार्थक नहीं होने थे क्योंकि 25 किसी भी मुकदमे को संख्या के आधार पर निर्धारित करके किसी समय सीमा में बांध के निर्णय पारित करना विचाराधीन कोर्टों को, ट्रायल कोर्टों को बहुत असंभव है, क्योंकि रेत के बहुत नीचे से जस्टिस निकलता है। यदि हम समय सीमा में बांधेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून को, न्याय को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन ये प्रयोग जो हुआ था ये अच्छी मंशा से हुआ था पर उसके परिणाम दुखद हैं। पक्षकार पीड़ित हैं, जज पीड़ित हैं, अधिवक्ता भी पीड़ित हैं, और जो भी निर्णय हो रहे हैं यदि वो समय सीमा के बांधने के कारण सिर्फ और सिर्फ निर्णय हो रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिली जो पूरे मध्य प्रदेश को अपने आप में पूरी न्याय व्यवस्था को हिला दिया जिसने, इसलिए सारे लोगों ने अपनी अपनी इच्छा करके, स्टेट बार के चेयरमैन ने भी ये कोशिश की चीफ जस्टिस महोदय इस आदेश को वापस लें क्योंकि इसके सुखद परिणाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ना हो पाने के कारण, वापसी ना हो पाने के कारण, उसकी निरंतरता के कारण सारे अधिवक्ताओं को एक होना पड़ा। अपने लिए अधिवक्ता कभी आंदोलित नहीं होते, अधिवक्ता आंदोलित होते हैं अपने पक्षकार के लिए, अधिवक्ता आंदोलन होते हैं जस्टिस प्राप्त करने के लिए। फॉर गेन द जस्टिस हम सब ने तय किया, अपनी बात हम अपने ज्ञापनों में पहुंचा पाए। जब उस पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले मध्य प्रदेश में तो आज मध्य प्रदेश की सारे जिले, चाहे हरदा हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इटारसी हो, चाहे कटनी हो, चाहे सिहोरा हो, सबके सब मिलके, और आज जबलपुर की है सबसे बड़ी जिला अधिवक्ता संघ, इसने भी 7 दिन का लगातार अपने कार्य से विरत रहने का संकल्प लिया। इस संकल्प की पूर्ण आहुति के रूप में आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया, इस बात का कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो प्रधान हैं, हमारे जो न्यायाधीश महोदय ने मिलकर जो इसको तय किया है, वो विवेकशील सारे लोग ये तय कर पाएँ, उस व्यवस्था को लागू करें जिसमें न्याय मिल सके। इस पवित्र भाव के साथ आज का सद्बुद्धि यज्ञ जिला अधिवक्ता संघ की ओर से पूरे प्रदेश को हम समर्पित कर रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हर पक्षकार को, हर न्यायाधीश को, हर अधिवक्ता को अपनी आंखों के सामने जस्टिस देख पाए। जिला अधिवक्ता संघ से मैं संपूर्ण तिवारी, पूर्व सचिव। सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है क्योंकि हम सभी अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता 25 केसों की लिस्ट को लेकर के काफ़ी समय से हड़ताल पर हैं और कई जगह क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। ऐसे अलग अलग प्रदेश के अलग अलग न्यायालयों में अधिवक्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने भी आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है कि जो हमारे खिलाफ इस तरीके की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, इस केसों का दबाव लेकर आ रहे हैं, उनसे हमारे अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है उसको गौर किया जाए और हमारी जो मांगे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए, इसके लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। धन्यवाद। ज्योति राय, उपाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ।
प्रथम दस्तावेज उस देश का संविधान होता है और हमारे भारत देश के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण न्याय सभी को मिले और न्याय मिलने के लिए न्याय को समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसको समय सीमा में बांधा गया है, निसंदेह उसकी मंशा ठीक रही होगी, लेकिन जब कोई भी कार्य जब जमीन में उतरता है उसका क्रियान्वयन होता है तो उसमें कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आते हैं। इस न्याय व्यवस्था, इस न्याय देने की प्रक्रिया को यदि समय सीमा में बांधा गया उसके दुखद परिणाम आए और अधिवक्ता हमेशा देश हित, समाज हित और सभी के न्याय के लिए लड़ता है और न्याय के लिए लड़ने के कारण मात्र आज संपूर्ण प्रदेश में जो 7 दिवसीय अपने कार्य से विरत रहकर हड़ताल करने का जो निर्णय लिया गया वो सफलता पूर्ण हुआ पूरे प्रदेश में, और इस पूर्णता के पश्चात पूर्णाहुति जो है वो माननीय न्यायाधिपति और जो ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस यज्ञ के साथ और आज का सद्बुद्धि यज्ञ के साथ में ये आज का जो हड़ताल है वो हमने विराम दिया है। भारत संदीप शुक्ला, विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ इसका पुरजोर सहयोग समर्थन करता है। ये हम विगत एक सप्ताह से पिछले 13 तारीख से जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर न्यायिकार से विरत है। हमारी मात्र मांग इतनी थी, वो भी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पक्षकारों को न्याय मिले। उनको जो निर्णय दिया जा रहा है, जो पक्षकारों के साथ में अन्याय हो रहा है किस प्रकार का, जैसे कि अपीलें उनकी खारिज हो रही हैं, नॉन अपीलेंस में एडवोकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं केसों में तो उनकी अपीलें खारिज हो रही हैं, फटाफट निर्णय दिए जा रहे हैं, जिससे अभी जैसे अभी तत्काल की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल मौखिक रूप से 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि न्याय होते दिखाई पड़ना चाहिए, निर्णय की आवश्यकता नहीं है, डिस्पोजल की आवश्यकता नहीं है, प्रकरण में हमेशा न्याय मिलना चाहिए। आप 3 माह के अंदर 25 केसों का निस्तारण करने का आदेश जारी किए हुए हो, उसको लेकर पूरे प्रदेश में, केवल जबलपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे प्रदेश में लगातार अधिवक्तागण न्यायिक कार्य के विरोध में है। इसके बावजूद भी मतलब माननीय उच्च न्यायाधिपति महोदय या अन्य जिनके ये मामले के ऊपर पटाक्षेप करना है उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। और आज का मूल हमारा यज्ञ का उद्देश्य राज्य अधिवक्ता परिषद के खिलाफ भी है, चूंकि राज्य अधिवक्ता परिषद हमारी मात संस्था है, मगर इसके बावजूद आंदोलन को राज्य अधिवक्ता परिषद को अपने हाथ में लेना था और इस प्रकरण को आगे उनको चलाना था, मगर राज्य अधिवक्ता परिषद टोटली मौन है। इसलिए आज हमने ये आंदोलन की यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की है कि राज्य अधिवक्ता सदस्यों को सद्बुद्धि आए ताकि कल उनकी मीटिंग है, जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें इस मैटर को उठाएं और माननीय न्यायाधिपति महोदय से चर्चा करें। चर्चा करने के पश्चात अगर बात नहीं बनती है तो इस आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है उसका निर्णय राज्य अधिवक्ता परिषद स्वयं ले। इस विषय को लेकर आज हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, राज्य अधिवक्ता परिषद के सम्मानी सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदान हो ताकि वे हमारी मांगों का निराकरण करने में सक्षम हो। ब्यूरो रिपोर्ट।